शहर में हादसा। खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से तीन लोग दबे। मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा बुलंदशहर में हुआ है। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक की हालत नाजुक, हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। एक की हालत जिसकी नाजुक है उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया जा चुका है। बुलंदशहर में बड़ा हादसा हुआ है। मिट्टी ढहने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से तीन लोग दबे। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक की हालत नाजुक, हायर मेडिकल सेंटर रेफर। पहासु थाना क्षेत्र का मामला आया सामने। बीएसपी के लोकसभा उपचुनाव में उतारा प्रत्याशी। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में उतारा कैंडिडेट गुड्डू जमाली को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव में उतारा प्रत्याशी। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में उतारा उम्मीदवार गुड्डू जमाली को बीएसपी ने बनाया प्रत्याशी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। तिकुनिया हिंसा मामला, तिकुनिया हिंसा से जुड़ा बड़ा मामला सामने आ रहा है। गवाह दिलबाग सिंह पर हुआ था हमला। मामले को लेकर लखनऊ से बैलिस्टिक टीम बुलाई गई। पुलिस घटना को लेकर सभी पहलुओं पर कर रही है जांच। घटना की जल्द ही किया जाएगा खुलासा। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुचर्चित तिकुनिया हिंसाकांड मामले में गवाह दिलबाग सिंह पर हुआ था हमला। आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है जा रहा है, तो वहीं अतिक्रमण अभियान के बीच दिल्ली गेट और बाग फरजाना में यह अभियान चलाया गया। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। बुलडोजर पर लोगों ने चढ़ने का किया प्रयास। पुलिस ने बमुश्किल से लोगों को हटाया। आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, अतिक्रमण अभियान के बीच युवक ने किया विरोध। जहां एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, इसी बीच दिल्ली गेट और बाग फरजान में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला। वहीं अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा था, जिसमें बुलडोजर पर लोगों ने चढ़ने का भी प्रयास किया। पुलिस ने मुश्किल से लोगों को हटाया। आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। नाव से बड़ी खबर, शिकायत पर जांच करने पहुंचे राजस्व विभाग की टीम। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पुलिस के साथ मौके पर नायब तहसीलदार व लेखपाल पहुंचे। लेखपाल भी पहुंचे हुए थे। तहसील सदर क्षेत्र के हिरन नगर का मामला सामने आया है। नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरसी वाजपेयी मेमोरियल में पहुंची राजस्व विभाग की टीम। शिकायत पर जांच करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम। वहीं राजस्व विभाग की टीम के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पुलिस के साथ मौके पर नायब तहसीलदार व लेखपाल भी पहुंचे। तहसील सदर क्षेत्र के हिरन नगर का मामला आया सामने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। आजम खान से मुलाकात के बाद किया ट्वीट। आजम खान से मुलाकात किया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अच्छी सेहत के लिए दुआएं। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में यह लिखा, आप जल्द अच्छे होकर आए। जहां एक तरफ अखिलेश और आजम खान को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, इसी बीच अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की है। और मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है, आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द होकर आए, अब स्वस्थ होकर आए।